घाटों का जितना बड़ा उत्सव कहीं भी हो सकता है उतना बड़ा उत्सव आपने मनाया है। मैं स्वयं हास्यरस का घोर प्रशंसक व्यक्ति हूँ। मैं हास्य को उपासना मानता हूँ, हंसी को प्रार्थना मानता हूँ, लेकिन एक निवेदन करता हूँ, मेरी बात अच्छी लगे तो मेरा समर्थन करना, ये हंसी स्वस्थ हंसी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हंसी अगर द्रौपदी की है तो इसके बाद इससे महाभारती होता है, कोई और कारण नहीं होता, समझ लीजिए। मैं एक कविता इन दिनों सुना रहा हूँ, पिछली बार बहुत जल्दी जल्दी में मैंने उसको ऐसी कुछ अंश उसके पढ़ दिए थे, मेरा मन है मुझे अवसर मिला है तो मैं उस रचना को, ये मेरा इन दिनों का एक आंदोलन है, ये मेरी इन दिनों की एक लड़ाई है और मंच पर लिए जाने वाला एक रिस्क है जो केवल मैं कर सकता हूँ ये काम। एक घटना से मैं टूटता हूँ लगभग 2 साल, गहन वेदना में डूबा हूँ लगभग 2 साल। देखिए साहब बैठ जाइए, जो पीछे खड़े हैं दोनों बैठ जाएं, जल्दी बैठ जाओ, मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई। आप चाहें तो इस पर अरुण जैमिनी जैसी मिलकर ताली बजा सकते थे। अच्छा वो अरुण जैमिनी चला गया, उसको देखनी पड़ती ना। एक थोड़ी देर के लिए बस मैं मौन चाहता हूं, मेरे बाद हमारे देश के 2 बड़े कवि सत्यन जी और सुरेंद्र शर्मा जी बहुत बढ़िया हास्य मुस्कुराहट खिलखिलाहट और व्यंग तक की कविताएं पढ़ेंगे। मुझे समय दीजिए केवल 10 मिनट का और एक मेरे दर्द की कविता सुन लीजिए। उड़ीसा की एक यात्रा में मैंने एक ऐसा दृश्य देखा है जिसको देखने के बाद मैं 2 साल टूटा हूं और 2 साल तक गहन मौन जीने के बाद मैंने एक कविता लिखी है और दृश्य ये है। आप में से भी कभी किसी को गुजरना हो तो उड़ीसा में अक्सर देखिए रेलवे प्लेटफॉर्मों पर 11-12-13 साल के बच्चे नंगे पांव फटे हाल दिन भर खड़े रहते हैं। वो जूते पालिश नहीं कर रहे होते, अखबार नहीं बेच रहे होते, भीख नहीं मांग रहे होते। मेरी बार बार जिज्ञासा होती थी कि जानू बच्चे क्या करते हैं प्लेटफॉर्म पर। मैंने एक बार एक लोकल आदमी से कहा ये बच्चे प्लेटफॉर्म पर करते क्या हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक कुल्हड़ चाय पियो तुम जान जाओगे बच्चे यहाँ क्या करते हैं। कुल्हड़ में चाय मिलती है, मैंने कुल्हड़ चाय ली तुरंत और मैंने चाय पीकर कुल्हड़ प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया, टूट गया कुल्हड़। उस टूटे हुए कुल्हड़ के टुकड़ों में बची हुई चाय की नमी चाटने के लिए बच्चे दौड़े और मैं 2 साल टूटा इस दृश्य को देखने के बाद। 2 साल गहन वेदना जीने के बाद मैंने देश के सबसे गरीब आदमी के पक्ष में कविता लिखी है और मैं देश के सर्वाधिक संपन्न लोगों के सामने इस कविता को पढ़ रहा हूं और इसलिए पढ़ रहा हूं हिंदुस्तान की संस्कृति का मूल तत्व संवेदनशीलता है। हिंदुस्तान की संस्कृति का आधार दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना है। यह तो हिंदुस्तान का आज का टेलीविजन कल्चर है जो महात्मा गांधी का जन्मदिन नहीं मनाता और आमिर खान की शादी को इस तरह दिखाता जैसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घटना घटने जा रही है। 1000 साल की हिंदुस्तान की गुलामी रही लेकिन मूल्य नहीं टूटे, संस्कार नहीं बिगड़े, हमारी परंपराएं सभ्यता मर्यादाएं संस्कार सब जिंदा रहे। पिछले 3 साल में हिंदुस्तान के टेलीविजन कल्चर ने जो दिखाया है उससे हमारे मूल्य टूट रहे हैं, संस्कार टूट रहे हैं, हमारी मर्यादाएं छिन रही हैं। उनको रोकने का मैं परोपकार को आदरणीय जयंती बहन मेहता जी यहाँ बैठी हैं, आदरणीय आर के पुरोहित साहब राजकुमार राज पुरोहित जी यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत बार उनसे मिलता हूँ सुनता हूँ। मेरा एक ही निवेदन है परोपकार को हजारों लाखों बधाइयां इसलिए देता हूँ कि हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए जो सूरज उगाने हैं, जो सवेरों के सूरज उगाने हैं, वो ऐसे समारोह ही उगा सकते हैं जहां हम अपनी संस्कृति की बात कर सकते हैं। आपको बधाइयां, इतना बड़ा उत्सव आपने मनाया। एक मेरी कविता सुन लीजिए, मैं आपका जीवन भर आभार मानूंगा। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल। बहन जी थोड़ी देर बैठ जाइए, बस थोड़ी देर बैठ जाइए और कृपया मैं 10 मिनट पढ़ूंगा। हमारा अमर सिंह नाखुदा बैठा है, वाशी के पूर्व डिप्टी मेयर यहाँ बैठे हैं जो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, कविताओं को बहुत प्यार करते हैं और मन से जुड़िए थोड़ा, फिर आप जिन ठहाकों में डूबे हुए हैं उन ठहाकों की तरफ फिर आपको सत्यन जी ले जाएंगे, सुरेंद्र शर्मा जी ले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए जब मैं यहाँ हूँ तो फिर मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, चाहे चैनल आए चाहे कोई आए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। हरिओम पवार जैसा था वैसा रहना चाहता है। मूल चरित्र की कविता आप सुनिए।
मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ। मैं भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ, भूख के मजार पर जला हूँ, मैं भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, कसम साथी आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत झोंपड़ी के दर्दों की जुबान है, भुखमरी का आईना है, आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं। मेरा होश खो गया है लोह के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूँ मैं इसी सवाल में। एक सवाल कील की तरह चुभता है, और देश के वो 50 करोड़ लोग जिनका पेट ठीक से भरता है, उनके दिल में ये सवाल चुभना चाहिए, ये उम्मीद लेके आया हूं आपके बीच। और आपको लगे ये सवाल चुभना चाहिए तो ये सदन, पूरा सदन एक साथ ऊपर तक तीसरे माले तक समर्थन मांगता हूं, आपके दिल में ये बात महसूस हो कि ये बात हमारे दिल में चुभनी चाहिए। सुनना, भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं। मेरा होश खो गया है लोह के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूं मैं इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है, देश के प्रधान को नींद कैसे आ रही है, देश के नींद कैसे आ रही है, देश नींद कैसे आ रही है देश के। मुझे भी आज चुभता है, 2 साल पहले तक मुझे भी नहीं चुभता था। मैं एक गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ था, मैंने LLM पास करने के समय तक जूता नहीं देखा कैसा होता है। दुनिया की बड़ी नौकरी मिल गई, दुनिया घूमने को मिल गई, कब से मैं लोग बहुत पैसा मिलने लगा तो मुझे भी पता नहीं रहा। लेकिन जब एक बार मुझे कांटा चुभ गया तो मैं उस कांटे की चुभन को बांटना चाहता हूँ। सुनिए बस, आत्महत्या की चिता पर देख कर किसान को नींद कैसे आ रही है, देश के प्रधान को सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, और मेरे काव्य धर्म से डरा हुआ हूँ मैं। मैं स्वयं को आज गुनहगार पाने लगा हूँ, इसलिए मैं भुखमरी का गीत गाने लगा हूँ, गा रहा हूँ इसलिए कि इंकलाब ला सकूं। झोंपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, झोंपड़ी के अंधेरों में झोंपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। इसीलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर, जो अतीत में हुई है भूल 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 कर, पंचतारा पद्धति का पंथ रोक टोक कर, वैभवी विलासता को एक साल रोक कर, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए। झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध। मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा। महस्तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा, शायद आप सोचते हो ये विषय फिजूल है। मैं देश के, मैं फिर कहता हूँ, देश की आर्थिक राजधानी बंबई है, होगी राजनीतिक राजधानी दिल्ली। और अभी शैलेश कह रहा था मारवाड़ी किसी कुछ देते नहीं है, अगर मारवाड़ियों ने इस देश को आर्थिक सुदृढ़ता का आधार नहीं दिया होता तो हिंदुस्तान आज इतना अमीर देश नहीं हुआ होता। पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ी जहां भी है वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है, वो अपनी संस्कृति को जीना चाहता है। मारवाड़ी बोलता है, अपने संस्कारों को जीने की कोशिश कर रहा है। इस देश को मारवाड़ियों से ज्यादा शायद किसी ने कुछ नहीं दिया, इसलिए शैलेश अपनी भाषा का अंतर बदलो। टाइम पे देता ये टाइमिंग का मामला था शैलेश, ये वाहवा का मामला नहीं है, ये आह का मामला है। मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महस्तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा, शायद आप सोचते हो ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं। आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़प, काल देवता से भूखे तन के प्राण की झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध। मैं सुरेंद्र शर्मा, मेरे गॉड फादर हैं, श्रद्धे हैं, मैं पिता की तरह आदर करता हूं। उनके सामने बोलता हूं कि मुझे कालजयी कवि होने की कामना नहीं है, मैं देश की विसंगतियां गाता हूं, और इसलिए गाता हूं कि कलंकित सत समाप्त हो।
मैं ऐसा ये कलंकित सच गा रहा हूँ और आपकी तालियों से दुआ मांगता हूँ कि मर जाए ये कलंकित सच। मैं गल्फ कंट्रीज में था, एक लेख पढ़ा मैंने और उस लेख में ये सच्चाई थी, आप सुनिए। और बम्बई की सच्चाई है ये, बम्बई की झुग्गी झोंपड़ियों के बारे का सच है ये, शायद आपको भी नहीं पता होगा। और इस कामना में पढ़ रहा हूँ कि ये सच मर जाए, नहीं रहे ऐसा सच, नहीं बोलना पड़े मुझे। पूरे सदन का समर्थन चाहता हूँ, आपको लगे आपकी दुआएं मिलेंगी तो ये सच मरेगा। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है जहाँ माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है, यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, कुत्ते जिसे चाट चुके झूठन चाटते हैं वे। बट भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके पांव नंगे हैं लिबास तार तार हैं, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार हैं, जिनके प्राण बिंदावाई मृत्यु के कगार हैं। आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार। बेटियां जो शर्मो है या होती हैं जहान की, बेटियां जो शर्मो है या होती हैं जहान की। भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो। 78,000 तो आपके अकेले बंबई में बार बार लाए, 78,000। आप संस्कृति बचाएंगे मध्य प्रदेश, यहाँ के आपकी सरकार ने एक बड़ा काम किया और सारे दलों ने समर्थन किया उसका, चाहे वो दल सरकार में थे चाहे विरोध में थे, कि उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो कुछ लोग कोर्ट गए कि इससे हमारे बेरोजगार होने का खतरा है। जिस दिन से ये खबर मिली है, मेरे इलाके के डाकुओं ने मुझे खबर की कि हमारा मुकदमा लड़ो, डकैती पर से प्रतिबंध हटवाओ, इससे हमारे बेरोजगार होने का खतरा है। एक डाकू नाका डालता, वो संस्कृति को इतना चोट नहीं पहुंचाता जितना चोट इस संस्कृति को किसी शराबी के सामने नंगी होकर लड़की नाचती हुई संस्कृति को चोट पहुंचाती है, इतना डाकू संस्कृति को चोट नहीं पहुंचाता। बेटियां जो शर्मो हैं या होती हैं जहान की। और यूं तो क्या करेंगे, देश में क्या नहीं हुआ, माफी चाहता हूं 4-6 पंक्ति पढ़ देता हूं बस, क्या क्या नहीं हो रहा देश में। शैलेश ने कहा था पढ़ने के लिए, अच्छी लगे तो मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी ना लगे तो शैलेश ने पढ़वाई, ठीक है। इसने जितनी तालियां आपसे बजवाई थी सारी तालियां इस पर बजनी चाहिए। क्या है देश की संस्कृति, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, कोई अपनी संस्कृति में आग लगाने लगता है, कोई बाबा रामदेव पर दाग लगाने लगता है, कोई बाबा रामदेव पर दाग लगा। बेटियां जो शर्मो है या होती हैं जहां, उनका कैंप लग रहा है 26 तारीख से 28 तारीख की सुबह, उनके कैंप में आऊंगा और आपको बाबा रामदेव के किए कलापों के समर्थन में एक बड़ी कविता सुनाऊंगा उसी कैंप के अंदर। बेटियां जो शर्मो है या होती हैं जहान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की, भूख का आस्थाओं का स्वरूप, थोड़ा और गंभीर होकर सुनना, भूख का आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है। बस ये अंतर रखना कि ग्रेट लाफ्टर शो अलग चीज है और कवि सम्मेलन अलग चीज है। किसी दिन ऐसा मत कर बैठना कि कोई अखबार लिख दे कि दोनों एक जैसे लगे, वो इस कवि सम्मेलन की झूठन का निचोड़ है। जो कवि सम्मेलन की झूठन होती थी वो गई है वहां पर, वहां पर कोई साहित्य नहीं गया, कोई कविता नहीं गई, कोई संस्कृति नहीं गई, कोई मूल तत्व नहीं गया। बेटियां जो शर्मो है या होती हैं जहान की, बेटियां जो शर्मा है या होती हैं जहान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की, भूख का आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है, भूख का आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है, निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है, भूख कभी कभी ऐसे दांव बेच देती है। सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है, भूख आदमी का
का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है, भोग सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है। और एक पंक्ति इतिहास से छीन के लाया हूं, आप रोकना उस पंक्ति को तालियों के साथ, इतिहास उल्टी ना छीन ले। हमारी धरोहर है वो पंक्ति, वो धरोहर है इतिहास है इस देश का। समर्थन चाहता हूं उस पंक्ति पर, इसलिए कि मेरे पास रह सके, आपके दिलों में रह सके, इतिहास वापस ना चली जाए। सुनिएगा, भोग सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है, भोग सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है, भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है, मजूरन की मांग का सिंदूर छीन लेती है, मजूरन की मांग का सिंदूर छीन लेती है, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है। अब जो कहने जा रहा हूं वो आपने किसी ने नहीं सुना होगा, अगर मेरी ये कविता नहीं सुनी तो किसी ने नहीं सुना होगा, मुझे कहते शर्म आएंगे आपको सुनते हुए। दुनिया में तीन देश हैं, इथियोपिया, सोमालिया और भारत, भारत का दक्षिण बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से, जहां किसी गरीब के घर में मौत होती है तो संस्कार नहीं होता, मुर्दा बिकता है। और पूरी दुनिया को विज्ञान के एक्सपेरिमेंट के लिए इन तीन देशों से मुर्दे मिलते हैं। तब पढ़ रहा हूं, गुस्से में पढ़ रहा हूं, मेरे गुस्से को जिंदा रखना। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है, घर वाले गरीब आंसुगम सहेज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं, थूक कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी देना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन भी देना पाए गरीब, थूक कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी देना पाए गरीबों की लाश को, कहीं कहीं गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ है, कहीं दाने दाने का काल पड़, देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, इसलिए अपने को गरीब मत समझना। मैंने खाद्य विभाग से आंकड़े मंगाए, वो आंकड़े बताते हैं कि जितना अनाज देश के 3 लाख लोगों को भूख से मरने के लिए बचाने के लिए चाहिए, उससे 2 गुना तो चूहे खा जाते हैं। कहीं कहीं गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ है, कहीं दाने दाने का अकाल पड़ा हुआ है, झुग्गी झोंपड़ी के भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं, जेलों में आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं, जेलों में आतंकियों को बिरयानी, जेलों में आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना सेठ के लिए, पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना, किसी की आस्थाओं को चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन पाखंडों को जूते की नोक पर रखता हूं, आप साथ देना मेरा। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना सेठ के लिए, पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना सेठ के लिए, कोई यज्ञ होता नहीं भूखे पेट के लिए, कोई सुबह का उजाला रेन बना देता है, कोई चमत्कार स्वर्ण चैन बना देता है, कोई मंत्र सिद्धियों की दे रहा है बूटियां, कोई हवा से निकाल देता है अंगूठियां, पर कोई गरीबों की लंगोटी ना बना सका, कोई स्वामी साधु बाबा रोटी ना बना सका, कोई स्वामी साधु बाबा रोटी ना बना। अंतिम छंद पढ़ता हूं मैं अब, बहुत अच्छा अरुण ताली बजा रहा है, सही बात, भले समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, होता मैं अरुण से कह दिया था जहां जहां मैं इधर हाथ करूं वहां वहां ताली बजाना, क्योंकि अरुण ने भी जैसे जैसे इधर हाथ किया था मैंने वहां वहां अरुण की कविता पर ताली बजाई थी, जबकि मेरी समझ में नहीं आई थी। अंतिम छंद सुन लीजिए, मैं जानता हूं हास्य के बड़े कवियों के बीच हो तो उसका आप अस्तित्व बचाने का संकट होता है, लेकिन आप मेरे साथ हैं, आपने मेरा बहुत भरपूर साथ दिया। अब मेरे भीतर, मैं एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाता हूं और मैंने इस कविता को केवल लिखा नहीं है, इस कविता को जिया है। जिस दिन से मैंने कविता लिखी है, मेरी कविता की जितनी भी आमदनी है, मेरी कैसेट से, मेरी सीडी से जितनी भी आमदनी होती है, वो मेरठ के एक ट्रस्ट में जाती है, वाणी फाउंडेशन, जो केवल गरीब बच्चों की देखभाल करता है, इसके अलावा मैं और कुछ काम नहीं करता। मैं कविता को जीना भी चाहता हूँ, और सत्तन जी ने जैसा कहा इसका कोई सपना नहीं है, सत्तन जी मेरा सपना है कि हिंदुस्तान एक दिन ऐसा हो जाए जब हिंदुस्तान में कोई भीख नहीं मांगे और कोई भूख से नहीं मरे, बस मैं उस देश की कल्पना करना चाहता हूँ, ये है मेरा सपना। सत्तन जी के सपने और हैं, मेरे और हैं, सत्तन जी के सपनों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं, मेरे सपने बड़ों से ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहिए भैया, मेरे सपने में तो हनुमान जी हैं। ठीक है सत्तन जी, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, मैं जानता हूँ मैंने कुछ कहा तो सद्दाम हुसैन की तरह पिटूंगा। आदरणीय, एक मिनट और बैठ जाओ प्लीज, 2 मिनट बैठ जाइए। अंतिम में अब मैंने बताया मैं एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाता हूँ और मैंने इसका एक कानूनी पहलू खोजा है,
हिंदुस्तान में अकेला एक राज्य है राजस्थान जहां ऐसा कानून बन चुका है, उत्तर प्रदेश में अध्यादेश जारी हो चुका है। मैं चाहता हूं पूरे देश में एक दिन एक कानून बन जाए जो मैं चाहता हूं। मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान में एक भी मौत भूख से नहीं मरेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 614 कलेक्टर हैं हिंदुस्तान में, सबके पास 1973 से एक फंड है जिसका नाम कहीं कंटीजेंसी फंड है, कहीं उसका नाम स्टारवेशन फंड है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। एमपी को 2 करोड़ मिलता है, एमएलए को 1 करोड़ मिलता है, ये 3 करोड़ और वो कलेक्टर का फंड उस जिले में होने वाली 5-7 भूख से मरने वाली मौत नहीं रोक सकते, तो हिंदुस्तान का पतन रोकने का सपना मत देखिए। अंतिम छंद पढ़ता हूं, मेरा साथ दीजिए, एक रास्ता बताता हूं, एक कानून की वकालत करता हूं जिससे पूरे देश में भूख से मरने वाली मौत रुक सकती। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है। आपकी तालियों से समर्थन चाहता हूं, बस इस सुनिए करता, क्योंकि मैं बीच में गंभीर होकर के बीच में, हालांकि मुझे इन लोगों ने ऐसी बातें सिखा दी हैं, शैलेश ने अरुण में कई बार, इनसे इतना सीख रखा है मैंने, अगर मैं वो ही करने लगूँ तो वो सब हो सकता है जो ये कर रहे थे। नहीं नहीं, वो करना भी मत तुम, वो तुम्हारे बस की नहीं है। हाँ, वो जो जो तुम कर रहे हो वही। अब वो उज्जैन पीछे पड़ा है, बैठा तक नहीं जा रहा, लोगों को उछाल रहा था ताली बजवाने में। ओम व्यास ध्यान दे, कभी कभी कविता भी सुना कर, क्योंकि जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म की पालना में जो किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा। इस धर्म की पालना में जो किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है। हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए। मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार। और केवल किसी पर कविता नहीं छोड़ रहा, किसी का नाम बता के जा रहा हूं सरेआम, मिले तो गर्दन पकड़ना इस देश में, ताकि आप देश में भूख से मरने से आदमी को रोक सकें। जिस देश में 3 लाख लोग हर साल भूख से मर जाते हों, कर लीजिए कितनी ही तरक्की, बना लीजिए कितने 5-स्टार होटल, लेकिन अगर हमारे पड़ोस का आदमी भूखा रोता है तो आपके पास अरबों की दौलत है तो भी आप वो सुख और शांति महसूस नहीं कर सकते जो आदमी को सुख और शांति महसूस करना चाहिए। एक कानून की मांग करता हूं, बस सुनिएगा। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए। मौत का किसी को जिम्मेदार, किसी का नाम बता रहा हूं, उस पर समर्थन चाहिए ऊपर तक सबका। मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं, समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूं मैं। खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो। वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहन मचू ना हुआ पहरेदार है, क्योंकि ये रहन मचू ना हुआ पहरेदार है। चाहे नेता अफसरों की लोभी आज क्रुद्ध हो, ये एक पंक्ति तालियों का त्योहार देखना चाहती है यहां पर। आप चाहते हैं देश में ये कानून बने तो जन समर्थन चाहिए, एक पंक्ति पर सुनना। चाहे नेता अफसरों की लोभी आज क्रुद्ध हो, चाहे नेता अफसरों की लोभी आज क्रुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, एक दिन में भुखमरी से मौत रोक सकता है। आज से ही संविधान में विधान कीजिए, एक दो कलेक्टरों को फांसी टांग दीजिए, एक दो कलेक्टरों को फांसी टांग दीजिए।